छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An Eminem Original। हाँ जी, आपने एक चीज नोटिस की है, हमारे देश भारत में आज भी जब भी किसी के घर पे बच्चा होता है तो वो किसके ऊपर गया है, उसका भविष्य क्या होगा, बड़े होकर वो क्या बनेगा, ये सब कुछ पहले से ही तय हो जाता है। फिर ये सब तय हो जाने के बाद ही वो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा इस दुनिया में आ पाता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका स्कूल, उसके मार्क्स, यहाँ तक कि 10वीं और 12वीं बोर्ड्स के बाद उसने कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, कॉलेज कहाँ जाना है, अभी तक जॉब मिली या नहीं, कितनी सैलरी कमाएगा, कमाएगा तो कितना बचाएगा और जरा भी नहीं उड़ाएगा, शादी की उम्र, बीवी की कमर, सभी बातों का डिस्कशन घर वाले तो क्या आस पड़ोस और रिश्तेदार तक करने लग जाते हैं। और ऐसी ही मिडिल क्लास फैमिली में आते थे अब्दुल खान साहब के लाड साहब आमिर, आमिर खान। अब आप सोच रहे होंगे आमिर खान, फिल्म स्टार आमिर खान। अरे सुनिए तो सही, आमिर के नामकरण के पीछे भी वही मिडिल क्लास स्टोरी है। कांग्रेचुलेशंस अब्दुल जी, इट्स अ बेबी बॉय। अब जब अब्दुल भाई साहब के घर पे बेटा हुआ, ये बात जब आसपास मोहल्ले वालों रिश्तेदारों को पता चली तो बधाई देने हर कोई घर आने लगा और साथ में बेटे के नाम का सजेशन भी लाता रहा और इसी के बदले में फ्री की मिठाइयां भी खा जाता। अरे अब्दुल भाई, अब तो बेटे का नाम रहमान रख लो। मियां अली कैसा रहेगा? अरे अपने अब्बा के नाम पे रख लीजिए, जावेद। अब्दुल मियां वैसे तो सभी के सजेशन सुनते और सर हिला देते, क्योंकि अब्दुल मियां जानते थे कि उन्हें अपने बेटे का नाम क्या रखना है। दरअसल अब्दुल मियां की बेगम सबीना हमेशा से आमिर खान की बड़ी फैन रही। वो क्या है ना, निकाह के बाद भी अब्दुल मियां चुपके चुपके रविवार की शाम को अपनी बेगम साहिबा को पिक्चर दिखाने ले जाया करते और जिस दिन आमिर खान की पिक्चर लगी होती तो बेगम साहिबा थोड़ा और ज्यादा सज सवर के निकलती। अब्दुल मियां भी कहते, क्या बात है, आज तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। और नहीं तो क्या, आमिर खान से मिलने जा रही हूँ, खूबसूरत तो लगना ही है, वो नहीं देखे तो क्या, मैं तो देखूंगी उसे। और इसीलिए अब्दुल मियां ने अपने बेटे का नाम आमिर, आमिर खान रखा। अब सोचिए, नाम में इतना वक्त लगा तो आमिर के बाकी सारे कामों का तो हाल ही ना पूछो। और ऐसा ही कुछ हाल आमिर के घर से दो घर छोड़ के रहने वाले अजीम मियां का भी था। आमिर और अजीम दोनों बचपन से ही जिगरी दोस्त हुआ करते थे और दोनों के साथ वही दिक्कत थी जो अधिकतर हिंदुस्तानी लड़कों की होती है, अब्बा नहीं मानेंगे। पर वक्त का पहिया घूमा, आमिर खान बड़े हो गए। अब घर वाले चाहते थे कि आमिर 10वीं के बाद साइंस ले ले, कि भाई अपने बेटे को डॉक्टर बनते हुए देखने का सपना जो था, पर आमिर मियां का कहां मन लग रहा था साइंस में, उन्हें तो बस जैसे तैसे 12वीं करनी थी क्योंकि वो तो चाहते थे ग्रेजुएशन में आर्ट्स लेना। अब्दुल मियां ने उनसे पूछा, क्यों आर्ट्स लेना है, हमारे घर में कभी किसी ने आर्ट्स नहीं ली, तू घर की इज्जत के बारे में कभी सोचेगा कि नहीं। अम्मी ने भी कहा, बेटा तुम्हारे दोस्त अजीम ने भी तो साइंस ही लिया है ना, उसकी संगत का कुछ भी असर नहीं हुआ तुम पे। आमिर मियां बिल्कुल चुप, क्योंकि उन्हें पता था कि चट्टान पे सर मारने से सिर्फ अपना ही सर फटता है। अब आमिर कैसे समझाएं कि आमिर का इंटरेस्ट आर्ट्स में कम और आर्ट्स लेने वाली तहसीन में था। तहसीन, उफ उफ उफ, बचपन से ही आमिर के साथ स्कूल में पढ़ी और आमिर की दोस्त थी। वैसे तो आमिर तहसीन से बहुत बातें किया करता था लेकिन कभी दिल की बात नहीं बता पाया। तहसीन, तुमने आर्ट्स के लिए एडमिशन फॉर्म फिल कर दिया क्या? हाँ, कब का? तो मेरा भी फॉर्म फिल करने में हेल्प कर दोगी? क्या? तुम आर्ट्स ले रहे हो? तुम्हारे घर में सब मान गए? अब बोल तो दिया, लेकिन आमिर मियां ये अच्छे से जानते थे कि अब्बा नहीं मानेंगे। और हुआ भी वैसा ही, आमिर की बात घर में किसी ने ना मानी। आखिर घर वालों के आगे आमिर ने भी हार मान ली और अंडर प्रेशर ले लिया साइंस। पर आमिर का दिल अपनी क्लास में कहां ही लगता,
वो तो हर क्लास में पीरियड ओवर होने का वेट करता कि फिर तहसीन से मुलाकात होगी। उसका जिगरी दोस्त अजीम भी उससे कहता, अबे पढ़ ले, फेल हो गया तो तेरे अब्बा तुझे मार मार के सुझा देंगे और तहसीन भी नहीं मिलेगी। अरे अजीब मेरे दोस्त, अब पढ़ाई में दिल कहाँ लगता है, अब उनका दीदार हो जाए तो समझ लो कर ली हासिल हमने डिग्री। बस फिर क्या, धीरे धीरे समय बीतता चला गया और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया। भाई पास, मैं पास हो गया। क्या बात कर रहे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा दिख। आमिर भाई तुम तो, बस भाई समझ गया, बताने की जरूरत नहीं है। जी आमिर मियां हो गए फेल। अब अब्बा और अम्मी को तो बताने की जरूरत थी ये बात, आफ्टर ऑल अपने बेटे को साइंस दिलाई थी उन्होंने। रिजल्ट का इंतजार तो आमिर से ज्यादा अब्दुल मियां और सबीना बेगम को था, मगर जिसका डर था उससे बिल्कुल उल्टा हुआ। अब्दुल मियां और सबीना बेगम को समझ में आ गया कि भाई उनके लड़के को साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, दिला दो आर्ट्स। और इसी तरीके से आमिर का दाखिला हुआ आर्ट्स कॉलेज में। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी, आर्ट्स हो या साइंस, बचपन का दोस्त और बचपन का प्यार दोनों ही आमिर से सीनियर हो गए थे। और क्लासेस के टाइम चेंज होने की वजह से आमिर की तहसीन और अजीम से मुलाकातें भी कम होने लगी। जब तक आमिर थर्ड ईयर में पहुंचा, तहसीन और अजीम दोनों ग्रेजुएट हो गए। अजीम की ग्रेजुएशन के बाद जॉब लग गई और वहीं तहसीन भी एक स्कूल में पढ़ाने लग गई। अब जहां घंटों साथ में ये तिगड़ी बैठकर लंबी लंबी बातें करते थे, वहीं पर अब मुलाकातें तो छोड़िए, दुआ सलाम भी ना के बराबर हो गई। गाज तो उस दिन गिरी मियां आमिर पे जब उन्हें पता चला कि उनकी हो सकने वाली तहसीन का निकाह कहीं और तय हो गया था। और ये गाज गिरी ही थी कि उन्हें जल्दी ये भी पता चल गया कि उनकी हो सकने वाली तहसीन का निकाह उन्हीं के करीबी दोस्त अजीम से होना तय हुआ है। और अब अब्दुल के बेटे आमिर खान तेरे नाम के सलमान खान की तरह फील करने लगे। उधर पास के गेस्ट हाउस से शहनाइयों की आवाज आ रही थी और इधर आमिर मियां ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। किसी से बात ना करना, किसी से ना मिलना, खाना पीना सब छोड़ दिया। वो अपने बिस्तर पर छटपटाते रहते थे और बाहर से आवाजें आती रहती थी, आमिर, ओ आमिर, उठ जा, अरे नालायक उठना। अपने नाम को सुनते हुए आमिर ने एक बिस्तर पे यूं ही लेटे लेटे एक बार करवट और बदली ही थी कि आमिर जमीन की चिकनी फर्श पर ओंधे मुंह गिर पड़े। अचानक से आमिर की आंख खुली और तेजी से खड़े होकर 5 मिनट तक आमिर अपना सर खुजाते हुए बोले, क्या हुआ ये, सुबह हो गई क्या? तभी आमिर को बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज फिर से सुनाई दी। अरे सुबह हो गई है कमबख्त, उठ जा, आज तो एडमिशन के लिए फॉर्म भी भरने जाना है तुमको, सोते रहेगा क्या पूरा दिन? अम्मी की ऐसी बात सुन के आमिर मियां को एहसास हुआ कि अरे भाई हम तो सपना देख रहे थे। बस उसी वक्त आमिर ने दौड़ लगाई और अपने अब्बू के आगे दंडवत मुद्रा में पसर गए और बोले, अब्बू 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 अब्बू, आज चाहे मुझे मार दो, चीर दो, फाड़ दो, घर से निकाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आज कॉलेज में एडमिशन के वक्त मैं आर्ट्स ही लूंगा अब्बू, आर्ट्स ही लूंगा, आर्ट्स ही लूंगा अब्बू। अब्बू ने आमिर की अम्मी को देखा और गुस्सा होते हुए कुछ बोलने ही वाले थे कि सबीना बेगम प्यार से बोल पड़ी, अजीब पढ़ने दीजिए ना इसे आर्ट साइड से, बॉलीवुड वाला आमिर खान तो 12वीं पास है, हमारा आमिर ग्रेजुएट तो हो ही जाएगा। अरे बस फिर क्या था, आमिर खान फाइनली ग्रेजुएट हो गए और वो भी अपनी पसंद की आर्ट साइड से। एंड हैप्पी एंडिंग तो कुछ यूं कि आमिर ने ग्रेजुएशन के लिए जैसे आर्ट साइड चुनी, वैसे ही तहसीन ने निकाह के लिए आमिर को चुना। उत्तरी मस्ती की पाठशाला। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्रा। An M&M Original.